दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं जो रिवेंज पर बेस्ड होने के बावजूद भी एकदम साफ सुथरी है। ना ही उसमें कोई वायलेंस है, ना ही न्यूडिटी है और ना ही कोई अब्यूजिंग वर्ड्स। जी हाँ, इस टाइप की मूवीज आज के टाइम में भी एग्जिस्ट करती हैं। सो लेट्स रिव्यू। क्रुएला, यह एक क्राइम कॉमेडी मूवी है जो 1956 में आई डूडी स्मिथ के नॉवेल द 101 डैलमेशियन के एक कैरेक्टर क्रुएला डेविल पर बेस्ड है और साथ ही साथ 101 डैलमेशियन फ्रेंचाइजी का प्रीक्वल है। सन 1961 में इस कैरेक्टर पर एक एनिमेटेड मूवी भी बन चुकी है, तो इस मूवी को एक लाइव एक्शन एडाप्टेशन भी कहा जा सकता है। तो देखा आपने कितना लंबा इतिहास है इसका। इस लाइव एक्शन एडाप्टेशन को क्रेग गिल्स्पाई ने डायरेक्ट किया है। इसका प्लॉट बेसिकली रिवेंज पर बेस्ड है। एक लड़की है जिसकी दो पर्सनालिटी है, एक स्टेला और दूसरी क्रुएला। स्टेला सीधी सादी और शांत स्वभाव की है, जबकि क्रुएला सबकी बाप है। वो अकेले ही अच्छे अच्छे लोगों की फाड़ने की हिम्मत रखती है। स्टेला का बस एक ही सपना रहता है कि वो बड़ी होकर एक फैशन डिजाइनर बने। कुछ फाइनेंशियल दिक्कत की वजह से उसे अपनी माँ के साथ लंदन आना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो होता है उसके बाद तो उसकी पूरी दुनिया ही हिल जाती है। उसकी आँखों के सामने उसकी माँ की मौत हो जाती है। पहले तो उसे लगता है कि अपनी माँ की मौत के जिम्मेदार वो खुद है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्री प्लान मर्डर था। यह जानने के बाद अब उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। उसे मजबूरन क्रुएला को जगाना ही पड़ता है। उसके बाद शुरू होती है तबाही। इस जर्नी में उसे ऐसा ऐसा सीक्रेट्स पता चलता है जो उसके बदले की आग में घी डालने का काम करता है। वो अपने फैशन डिजाइनर वाले सपने को पूरा करते हुए अपना बदला कैसे लेती है, यही इस मूवी में दिखाया गया है। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि बदले वाली मूवी है तो खून खराबा, गाली गलौज, मार काट तो अपनी चरम सीमा पर होगा। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल एक साफ सुथरी मूवी है। इसमें न्यूडिटी, वायलेंस, यहाँ तक कि एक गाली तक नहीं है। यह सुनकर आपको अजीब तो लग रहा होगा, लेकिन यही सच है क्योंकि डिज्नी की मूवीज ऐसी ही होती हैं। इस मूवी को बनाते वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि कहीं ये अपनी ओरिजिनल एनिमेशन का मजाक ना बना दे, लेकिन ऐसा बहुत कम ही देखने को मिला है। इसमें पूरी कोशिश की गई है कि ओरिजिनल मूवी का टेस्ट भी ना बिगड़े, लेकिन फिर भी कुछ क्रिटिक्स और व्यूअर्स को ये कुछ खास पसंद नहीं आ रही है, इसीलिए इसे मिक्स रिव्यूज मिल रहे हैं। अब इन रिव्यूज और रेटिंग्स का क्या है? मूवी अच्छा खासा एंटरटेनमेंट तो कर रही है ना, वही बहुत है। इसमें आपको एक फैशन डिजाइनर की लाइफस्टाइल से भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है। उन्हें कितना रिस्क लेना पड़ता है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, इन सभी चीजों को आपको बहुत ही बारीकी से इंट्रोड्यूस करवाया गया है। रिवेंज जैसे हार्ड टॉपिक पर बेस्ड होने के बावजूद भी इसमें कॉमेडी भी भर भर के डाली गई है, जो आपको जी भर के हंसने पर मजबूर कर देंगे। अगर आपसे ये कहा जाए कि इस मूवी को देखने की सबसे बड़ी वजह एमा स्टोन है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगा। ये उनके कैरियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक है। दूसरी तरफ एमा थॉम्पसन ने टॉप नॉच परफॉर्मेंस दी है। उनका वोकैबुलरी स्टाइल काफी यूनिक है, जो आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये कहा जा सकता है कि दोनों एमा ने मिलकर इस मूवी में 4 चांद लगा दिया है। 2 घंटे 14 मिनट की मूवी आपको कहीं पर भी बोर नहीं होने देगी। इस मूवी की कॉस्ट्यूम डिजाइन बहुत ही बेहतरीन है। इस कैटेगरी में इसे ऑस्कर नॉमिनेशन तो पक्का मिलेगा और शायद ये जीत भी जाए। इसका स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन भी ठीक ठाक है। ज्यादा बेटर तो नहीं है, लेकिन फिर भी चल सकता है। तो ओवरऑल ये वन ऑफ द बेस्ट रिवेंज मूवी है, जिसे पूरी फैमिली के साथ एंजॉय किया जा सकता है। तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर आपने इसे देख लिया है तो उसका एक्सपीरियंस हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।